सबसे पहले मोमेंटम की डेफिनेशन बताते हैं। देखो किसी भी मूविंग बॉडी में क्वांटिटी ऑफ मोशन को अगर मेजर किया जाए कि उस बॉडी के अंदर क्वांटिटी ऑफ मोशन कितना है, तो वो हम मेजर करते हैं मोमेंटम के जरिए। अच्छा, क्वांटिटी ऑफ मोशन कैसे मेजर करेंगे? अगर एक मूविंग बॉडी है तो उसको रोकना कितना आसान है या कितना मुश्किल है? अगर हम किसी बॉडी को आसानी से रोक पाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो इतना ज़्यादा मूव नहीं कर रही थी। और अगर हम उस बॉडी को आसानी से रोक नहीं पाते, यानी बड़ी मुश्किल से रोक पाते हैं, तो जितनी मुश्किल से मैं उस बॉडी को रोक पा रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो अमाउंट ऑफ मोशन है, क्वांटिटी ऑफ मोशन है, वो ज़्यादा था। ठीक है ना? तो डेफिनेशन देखो, क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी इज रेफर्ड टू एज मोमेंटम, जैसा कि मैंने समझाया। और सही प्रॉपर मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। अगर हमें किसी भी बॉडी के मोमेंटम को मेजर करना है तो दो चीजें को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उस बॉडी के मास को और वेलोसिटी को, क्योंकि जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है वो दो ही फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। या तो वो बॉडी जितनी हैवियर होगी उसको रोकना उतना मुश्किल होगा, या तो वो बॉडी तेज ट्रेवल कर रही हो तो रोकना मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल, एक ट्रक है और वो बहुत ही स्लो मूव कर रहा है, स्टिल उसे रोकना डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि उसका मास ज्यादा है, या ट्रेन या कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट। और दूसरी बात यह कि बुलेट को रोकना मुश्किल है, हालांकि बुलेट का मास इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन क्या ज्यादा है? वेलोसिटी ज्यादा है। तो क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा है तो उसको रोकना मुश्किल। यानी कि अगर मैं देखना चाहता हूं कि किसी बॉडी को रोकना कितना मुश्किल है, उसका अमाउंट ऑफ मोशन कितना ज्यादा है, तो दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उस बॉडी के मास को और वेलोसिटी को। मैथमेटिकली मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मास को हम एम से शो करते हैं, वेलोसिटी को वी से शो करते हैं, और मोमेंटम को पी से। और क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हमने वेक्टर का सिंबल भी लगाया, और वेलोसिटी पर भी वेक्टर का सिंबल लगाया। नेचर बता दिया है, तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, जाहिर सी बात है इसके फॉर्म में वेलोसिटी आ रहा है तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन क्या होगी? मोमेंटम की डायरेक्शन हमेशा वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी, यानी कि बॉडी जिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही होगी मोमेंटम की भी वही डायरेक्शन होगी। फिर यूनिट क्या बनेगा? तो मोमेंटम के दो यूनिट बन सकते हैं। और अगर फॉर्मूला देखो, मास इंटू वेलोसिटी, तो मास का यूनिट होता है किलोग्राम और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तो इसका एक यूनिट बन सकता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, बट इसका एक और भी यूनिट है और वो है न्यूटन सेकेंड। तो दो हो गए एसआई सिस्टम के अंदर इसके यूनिट, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड या न्यूटन सेकेंड। और चौथी चीज, ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है? तो फॉर्मूले से साफ साफ नजर आ रहा है कि दो फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है, मास पर डिपेंड कर रही है और वेलोसिटी पर डिपेंड कर रही है। मास ज्यादा और वेलोसिटी ज्यादा तो अपने आप मोमेंटम हो जाएगा ज्यादा। तो ऐसा देखा गया है, जैसे कि मैंने समझाया कि जिस बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा उसका मोमेंटम ज्यादा, रोकना मुश्किल। किसी बॉडी का मास ज्यादा तो उसको रोकना मुश्किल क्योंकि उसका मोमेंटम ज्यादा। सेकेंड जो आज टॉपिक कवर करना है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम के कंजर्वेशन का लॉ। लेकिन ये जो लॉ है ये अप्लाई होता है खास किस्म के सिस्टम में, जिसे कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो पहले मैं आपको ये आइसोलेटेड सिस्टम समझा देता हूँ, फिर हम उस लॉ को देख लेंगे। देखो, आइसोलेटेड सिस्टम से मुराद एक ऐसा सिस्टम है जिस सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती। ठीक है ना? ओपन क्लोज सिस्टम ऐसे होते हैं जिनमें फोर्स अप्लाई हो सकती है, एनर्जी आ सकती है, जा सकती है, मास आ सकता है, जा सकता है। बट आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिस पर उस सिस्टम के अलावा कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगी, यानी कि जो सिस्टम होगा वो बिल्कुल आइसोलेट हुआ हुआ होगा, अलग थलग होगा। ठीक है ना? एक अलग थलग सिस्टम, एक आइसोलेट सिस्टम ऐसे सिस्टम है जिस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगी। और ये जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ना, वो सिर्फ और सिर्फ उसी पर ही अप्लाई हो सकता है और किसी पर अप्लाई नहीं हो सकता। तो स्टेटमेंट है, व्हेन सम बॉडी इज कॉन्स्टिट्यूटिंग एन आइसोलेट सिस्टम एक्ट अपॉन वन अनदर, द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। और द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम बिफोर कोलिजन is always equal to the total momentum after collision. तो अगर एक सिस्टम आइसोलेट सिस्टम है तो उसका जो टोटल मोमेंटम वो हमेशा कंजर्व रहेगा। ठीक है ना? ना बढ़ सकता है ना कम हो सकता है। ठीक है ना? और अगर उसमें दो बॉडीज हैं जो एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रही हैं, तो जो टकराने से पहले का टोटल मोमेंटम होगा वही होगा टकराने के बाद का टोटल मोमेंटम। मोमेंटम अगर दो बॉडीज हैं फॉर एग्जाम्पल, तो एक का मोमेंटम पहले कम हो, दूसरे का ज्यादा हो, फिर बाद में दूसरे का कम हो जाए, पहले का ज्यादा हो जाए, लेकिन बात यह है कि जो टोटल है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, एक जैसा रहेगा।
और यही हमारा लॉ कह रहा है। इस फिगर में देखो तो हम देख रहे हैं कि दो बॉडीज हैं, एक का मास है m1, दूसरे का मास है m2, और m1 मूव कर रही है u1 वेलोसिटी के साथ और m2 मूव कर रही है u2 वेलोसिटी के साथ। ये सब टकराने से पहले की बात है। फिर ये दोनों बॉडीज टकराती हैं, जब टकराएंगी तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगी और एफ और माइनस एफ का नाम दे दिया। तो टकराने के बाद क्या हुआ, वेलोसिटी में कुछ तब्दीली आ सकती है क्योंकि एक हैवी बॉडी थी एक लाइटर बॉडी थी। तो जो m1 है उसकी वेलोसिटी हो गई v1 और जो m2 है उसकी वेलोसिटी हो गई v2। तो ये जो हमने लॉ पढ़ा है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसके मुताबिक अगर मैं टोटल मोमेंटम निकालूं टकराने से पहले, तो मोमेंटम होता है मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। तो अगर बॉडी ए को देखो तो उसका मास है m1 और उसकी वेलोसिटी है u1, तो दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे m1 u1। और दूसरी बॉडी है m2 और उसका वेलोसिटी है u2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे क्योंकि मोमेंटम आता है इन दोनों के प्रोडक्ट से। और क्योंकि हमें निकालना है टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, तो बिफोर कोलिजन का मतलब हो गया इन दोनों के मोमेंटम्स को करना पड़ेगा ऐड। फिर देख लेते हैं टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो देखो फिर वही है, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी होता है मोमेंटम। तो ये जो पहली वाली बॉडी है इसका मास है m1, वेलोसिटी है v1, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दूसरी बॉडी है m2 और उसकी वेलोसिटी है v2, तो इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा m1 v1 और m2 v2, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो हमारा लॉ क्या बता रहा है, हमारा लॉ बता रहा है कि ये जो टोटल मोमेंटम है टकराने से पहले वो हमेशा बराबर होगा टकराने के बाद के टोटल मोमेंटम के। मतलब m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर आ जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 के। तो ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, मैट्रिक में हमने इसको प्रूफ तो नहीं किया था, लेकिन फर्स्ट ईयर में आके हमें इस लॉ को प्रूफ भी करना है कि वाकई मतलब टकराने से पहले और टकराने के बाद मोमेंटम एक जैसा रहता भी है या नहीं रहता। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को प्रूफ करने के लिए पहले तो हमें ये एक और डेफिनेशन देखनी पड़ेगी और वो है फोर्स की डेफिनेशन। फोर्स की एक और डेफिनेशन है, और याद रखो फोर्स होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका मोमेंटम हो जाता है चेंज। तो अगर मोमेंटम चेंज हो जाएगा तो इसका मतलब यह है कि उसके ऊपर हमने फोर्स अप्लाई की थी, कितना जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करूंगा मोमेंटम उतना ही ज्यादा चेंज हो जाएगा। तो फोर्स याद रखो बराबर होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। तो यहां पर अगर हम फोर्स कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो देखो बॉडी ए ने बॉडी बी की तरफ फोर्स अप्लाई करी एफ, तो बॉडी बी ने न्यूटन्स थर्ड लॉ के मुताबिक बॉडी ए के ऊपर फोर्स अप्लाई करी माइनस एफ। तो जो एवरेज फोर्स की वैल्यू है जो ए ने अप्लाई करी बी पर, उसको हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने बताया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम कितना चेंज हुआ डिवाइड करा दो टाइम से। तो जो फोर्स ए की लगी है बी पर, तो उस फोर्स की वजह से बी का मोमेंटम बदला है। बी का मोमेंटम फाइनल कितना है m2 v2, इनिशियल कितना है m2 u2, दोनों को माइनस किया डिवाइड बाय टी। तो वो एवरेज फोर्स जो कि बॉडी ए पर अप्लाई कर रही है बॉडी बी, उससे ए का मोमेंटम चेंज हुआ है, यानी कि वो जाएगी m1 v1 माइनस m2 u2, उसका फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टी। और न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी, बट डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होगी। तो हम इस तरह लिख सकते हैं m2 v2 माइनस m2 u2 डिवाइड बाय टी बराबर आ जाएगा m1 v1 माइनस m1 u1 डिवाइड बाय टी, और टी से टी कैंसिल, और अगर इसको रीअरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। और यही जो हमारे सामने लिखा हुआ नजर आ रही है इक्वेशन, यही जाहिर करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को, यानी कि टकराने से पहले का टोटल मोमेंटम हमेशा बराबर होगा टकराने के बाद के टोटल मोमेंटम के। तो सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं कि इलास्टिक कोलिजन से क्या मुराद है। देखो मैं कुछ एग्जांपल्स बताता हूं, उन एग्जांपल्स को पहले कंपेयर करो, फिर अपने आप समझ में आ जाएगा कि इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन से क्या मुराद है। तो पहला कोलिजन है एक बॉल और एक वॉल का कोलिजन। दूसरी एग्जांपल है एक बॉल और बैट का कोलिजन। एक और एग्जांपल है और वो है दो स्नूकर बॉल्स का कोलिजन। अब और तीन एग्जांपल्स देखो, एक है गिलास का फ्लोर के साथ कोलिजन, एक है कार का दीवार के साथ कोलिजन,
और एक कार का दूसरी कार के साथ कोलिजन। तो क्या डिफरेंस नजर आया इन सब एग्जांपल्स के अंदर? जो पहली मैंने तीन एग्जांपल्स दी थी उनमें क्या डिफरेंस है और बाकी जो तीन एग्जांपल्स थी उनमें क्या डिफरेंस है? तो देखोगे जो शुरू की तीनों एग्जांपल्स हैं उनमें कुछ सिमिलैरिटी है, और सिमिलैरिटी क्या है कि वहां पे जो कोलिजन हुआ है उसमें अगर डिफॉर्मेशन किसी बॉडी के अंदर आया है तो वो टेम्पररी आया है, नॉट परमानेंट। जबकि बाकी की जो तीन एग्जांपल्स थी जिसमें कार का वॉल के साथ, कार का कार के साथ और एक गिलास का फ्लोर के साथ कोलिजन था, उसमें आप देखो तो जो डिफॉर्मेशन आई है वो परमानेंट आई है। तो इस तरह से आप दोनों के दरमियान में डिफरेंस कर सकते हो। बट पर्टिकुलर डेफिनेशन यह है कि एक ऐसा कोलिजन जिसमें टकराने से पहले और टकराने के बाद टोटल मोमेंटम और टोटल काइनेटिक एनर्जी दोनों कॉन्स्टेंट रहे, तो ऐसा कोलिजन कहलाता है इलास्टिक कोलिजन। जब टकराने से पहले और टकराने के बाद काइनेटिक एनर्जी और टोटल मोमेंटम दोनों सेम रहे तो एक ऐसा कोलिजन इलास्टिक कोलिजन कहलाएगा, जिसकी हमने तीनों एग्जांपल्स देखी, स्नूकर बॉल्स का कोलिजन, बैट बॉल का कोलिजन और एक बॉल का वॉल के साथ कोलिजन। जबकि जो इनइलास्टिक कोलिजन है उसमें टकराने से पहले और टकराने के बाद टोटल मोमेंटम तो कांस्टेंट रहता है लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज हो जाती है। देखो मोमेंटम तो ट्रांसफर हो जाएगा, जो पार्ट्स बने हैं उनमें मोमेंटम तो ट्रांसफर हो जाएगा लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है वो थोड़ी सी लॉस हो जाएगी। वो जो बॉन्ड्स ब्रेक हुए हैं ब्रेकिंग में या डिफॉर्मेशन में उसमें कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो लॉस हो जाता है। तो उस अमाउंट ऑफ एनर्जी के लॉस होने की वजह से जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है बिफोर कोलिजन वो बराबर नहीं होती टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। उसके बाद हमारे सिलेबस के अंदर एक डेरिवेशन है जिसमें दो बॉडीज हैं जिनके मासेज हैं m1 और m2 और वो मूव कर रही हैं वेलोसिटीज u1 और u2 के साथ, जैसे कि हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में भी स्टडी करा था। फिर क्या होता है उन दोनों के दरमियान में एक इलास्टिक कोलिजन होता है। तो इलास्टिक कोलिजन के बाद दोनों जो है वो उनकी वेलोसिटीज कुछ चेंज हो जाती हैं, मासेस तो सेम रहते हैं, तो m1 की वेलोसिटी हो जाती है v1 और m2 की वेलोसिटी हो जाती है v2। तो हमें दो फॉर्मूले, दो एक्सप्रेशन ड्राइव करने हैं फाइनल वेलोसिटीज ऑफ द बॉडीज के, यानी कि एक फॉर्मूला हमें चाहिए v1 का और दूसरा फॉर्मूला चाहिए v2 का। इजी डेरिवेशन है और अगर पैटर्न क्लियर हो जाए तो समझना बहुत ही आसान है। तो देख लेते हैं कैसे होगी डेरिवेशन। तो अगर तो कोलिजन इलास्टिक कोलिजन है तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बराबर होगा फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, और सिस्टम के अंदर दो बॉडीज हैं m1 और m2 है और इसका जो मोमेंटम है वो हो जाएगा m1 u1, इसका मोमेंटम होगा टकराने से पहले m2 और मल्टीप्लाई बाय u2। तो टोटल आ गया मोमेंटम टकराने से पहले, और टकराने के बाद इसका मोमेंटम हो जाएगा m1 v1 और इसका मोमेंटम हो जाएगा m2 v2। तो ये दोनों बराबर होंगे और फिर हम इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। इसी को थोड़ा सा रीअरेंज करो तो ये जो वैल्यू है प्लस की इस तरफ जाके हो जाएगी माइनस की, और ये जो प्लस का m2 u2 लिखा हुआ है वो इस तरफ जाके हो जाएगा माइनस। ऐसा हमने इस वजह से किया ताकि m1 और m2 को कॉमन लिया जा सके। तो लेफ्ट हैंड साइड से m1 कॉमन आ गया, क्या बचा u1 माइनस v1, और राइट हैंड साइड से हमने कॉमन ले लिया m2 को तो बच गया m2 कॉमन v2 माइनस u2। अब ये इक्वेशन हम कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो इलास्टिक कोलिजन में दो चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं, मोमेंटम कांस्टेंट रहता है और टोटल काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है। तो मोमेंटम का तो हमने सॉल्यूशन कर लिया, अब बारी है इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी भी सेम रहती है टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जो कि बराबर होती है 1/2 mv² के, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 mv², यानी कि मास और फिर वेलोसिटी के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराना है। इस बॉडी का मास है m1, इसकी वेलोसिटी है u1, तो हो जाएगा 1/2 m1 u1 का स्क्वायर। इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2 m2 u2 का स्क्वायर। तीसरी वाली बॉडी की हो जाएगी m1 v1 का स्क्वायर हाफ के साथ, और ये हो जाएगा 1/2 m2 v2 का स्क्वायर चौथा। अब यहाँ से हमने हाफ को कॉमन लिया और ये हाफ कैंसिल हो गए, तो क्या वैल्यू बची, वैल्यू बच गई m1 u1 का स्क्वायर प्लस m2 u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 का स्क्वायर प्लस m2 v2 का स्क्वायर। फिर इसी में हमने क्या किया कि हमने जो है वो m1 को एक तरफ ले गए, ये जो m1 की वैल्यू है उसको हम ले गए इस तरफ, और इस तरफ लाने के बाद हमने m1 को कॉमन लिया, तो क्या बचा u1 का स्क्वायर -v1 का स्क्वायर। इसी तरीके से इस वैल्यू को हम ले गए इस तरफ माइनस की, तो ये हो जाएगा m2 v2 का स्क्वायर -m2 u2 का स्क्वायर, तो m2 कॉमन तो बचेगा v2 का स्क्वायर और u2 का स्क्वायर।
और फिर यहाँ पर हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर किसके होता है। तो याद रखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है पहले ए प्लस बी और उसी के साथ मल्टीप्लाई में हम लिख देते हैं ए माइनस बी डॉट, यहाँ पर आ जाएगा ए माइनस बी, यानी कि जो दोनों वैल्यूज का स्क्वायर लिखा हुआ एक मरतबा उसको प्लस में लिखो दूसरी मरतबा माइनस में, तो हो जाएगा यू वन प्लस वी वन, यू वन माइनस वी वन। और इसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल वी टू का स्क्वायर माइनस यू टू का स्क्वायर, तो पहले यही वैल्यू एक मरतबा आ गई वी टू प्लस यू टू और अगली मरतबा आ जाएगी वी टू माइनस यू टू। और अब हम इस इक्वेशन को नाम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर थ्री का। अब क्या करेंगे, डिवाइड कराएंगे इक्वेशन नंबर थ्री को इक्वेशन नंबर टू से। देखो इक्वेशन नंबर थ्री तो यही है जो कि ऊपर लिखी हुई नजर भी आ रही है जो हमने डिवाइड कराया, इसको हम डिवाइड करा रहे हैं इक्वेशन नंबर टू से। कौन सी इक्वेशन नंबर टू, ये वाली इक्वेशन नंबर टू जिसमें लिखा हुआ है एम वन कॉमन यू वन माइनस वी वन, एम टू कॉमन वी टू माइनस यू टू। इससे डिवाइड कराया तो ये वैल्यूज कैंसिल हो गई, एम वन से एम वन, यू वन माइनस वी वन से यू वन माइनस वी वन पूरा कैंसिल, फिर एम टू कैंसिल और इसी तरीके से वी टू माइनस यू टू से वी टू माइनस यू टू कैंसिल। तो अब हमारे पास एक इक्वेशन आ गई कि यू वन प्लस वी वन बराबर है वी टू प्लस यू टू के, और अब हम इसको नाम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर फोर का और इसी से सब हमें सॉल्व करना है। तो हमने क्या किया, वी वन के लिए हमने इक्वेशन नंबर थ्री से वी टू को अलग किया, वी टू को जब वी वन की वैल्यू निकालनी है तो वी टू को रिप्लेस कराना पड़ेगा। अच्छा वी टू को हमने किस तरह से अलग किया है, तो देखो यू वन प्लस वी वन तो एज इट इज, ये जो यू टू लिखा हुआ है इसको अगर हम दूसरी तरफ भेज दें तो माइनस का यू टू हो जाएगा तो वी टू अलग हो जाएगा, तो ऐसे ही हुआ वी टू बराबर आ गया यू वन प्लस वी वन माइनस यू टू। और इस वी टू की वैल्यू को अब हम रख रहे हैं इक्वेशन नंबर वन में। इक्वेशन नंबर वन जो सबसे पहली इक्वेशन थी जिसको हमने सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से फाइंड किया था, ये वाली एम वन यू वन एम टू यू टू एम वन वी वन प्लस एम टू यू टू इक्वेशन नंबर वन थी ना, इसमें अब हम वी टू की जगह पे वो वैल्यू पुट कर रहे हैं जो कि हमने फाइंड करी है। तो वैल्यू पुट करने के बाद एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू एज इट इज, एम वन वी वन भी एज इट इज, यहाँ पे आ गया एम टू और ये पूरी वैल्यू आ गई वी टू की। ठीक है अब एम टू बारी बारी दोनों से तीनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो एम टू यू वन एम टू वी वन और प्लस माइनस माइनस एम टू यू टू हो जाएगा, और यहाँ पहले से लिखा हुआ है एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू। अब हम क्या करते हैं, सिर्फ उन वैल्यूज को यहाँ पे रहने देते हैं जिनमें वी वन इन्वॉल्व है, यानी कि ये वाली और ये वाली वैल्यू, बाकी इस वैल्यू को और इस वैल्यू को हम भेज रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, तो माइनस का एम टू यू टू इस तरफ जाके हो जाएगा प्लस का एम टू यू टू, और ये जो प्लस की वैल्यू एम टू यू वन ये इस तरफ जाके हो गई माइनस की एम टू यू वन। अब देखो एम टू यू टू दो नजर आ रहे हैं, इन दोनों को हमने प्लस किया और बाकियों में से क्या किया, यहाँ पे लिखा हुआ है एम वन यू वन माइनस एम टू यू वन, तो यहाँ से कॉमन आ सकता है यू वन, तो यू वन हमने कॉमन लिया और बच गया है एम वन माइनस एम टू, और इस तरफ से भी कॉमन आ सकता है, यहाँ से हम वी वन को कॉमन ले सकते हैं तो हमने वी वन को कॉमन लिया, तो ये आ गया एम टू एम वन प्लस एम टू और वी वन कॉमन। अब क्योंकि वैल्यू हमें चाहिए थी वी वन की तो वी वन को यहीं रहने दो, ये जो वैल्यू है एम वन प्लस एम टू ये दोनों के साथ जाकर हो जाएगी डिवाइड, तो हमारा आंसर आ जाएगा एम वन माइनस एम टू डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू और यू वन। इसी तरीके से यहाँ पर टू एम टू यू टू और डिवाइड में आ जाएगा एम वन प्लस एम टू। ये इक्वेशन नंबर ए है जो कि जाहिर कर रही है फाइनल वेलोसिटी ऑफ एम वन, पहली वाली बॉडी की फाइनल वेलोसिटी को। इसी तरीके से हम जब वी टू की वैल्यू हमें चाहिए तो इक्वेशन नंबर थ्री से हम वी वन की वैल्यू को अलग करेंगे, वी वन की वैल्यू को अलग करेंगे तो वी वन प्लस यू वन लिखा हुआ था वो इस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। अब इस वी वन की वैल्यू को पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर वन में, वही पहली वाली ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू तो है ही, एम वन वी वन लिखा हुआ था तो वी वन की जगह पे वो पूरी वैल्यू आ गई और एम टू वी टू एज इट इज। फिर वही ब्रैकेट सॉल्व करा, एम वन मल्टीप्लाई हुआ वी टू से एम वन वी टू, एम वन मल्टीप्लाई हुआ यू टू से एम वन यू टू और एम वन प्लस माइनस माइनस, एम वन मल्टीप्लाई हुआ यू वन से तो माइनस का एम वन यू वन आ गया। अब फिर वही काम हमें करना है, जो वी टू की वैल्यूज हैं उनको यहीं रहने दो, ठीक है ये दोनों वैल्यूज यहीं की यहीं रहेंगी और ये प्लस का जो लिखा हुआ है एम वन यू टू वो इस तरफ जाके हो जाएगा माइनस का एम टू यू टू, और ये जो लिखा हुआ है वैल्यू माइनस की एम वन यू वन वो इस तरफ जाके हो जाएगा प्लस का एम वन यू वन। एक और एम वन यू वन लिखा हुआ है, इन दोनों को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा टू एम वन यू वन, बाकी इन दोनों में से कॉमन ले लो, क्या कॉमन आया एम वन कॉमन आया यू टू कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बच जाएगा एम वन माइनस
एम टू, नहीं ये जो वैल्यू है ये है एम टू वाली, तो एम टू यू टू लिखा हुआ है और इधर भी आ जाएगा एम टू। तो इसी तरीके से हमने क्या किया कि हमने ये जो एम वन प्लस एम टू लिखा हुआ था जो वी टू के साथ था उसको मल्टीप्लाई से डिवाइड में भेजा, दोनों के साथ जाकर हो जाएगा डिवाइड, दोनों वैल्यू से डिवाइड हो जाएगा। तो अब जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, वैल्यू हमारे पास आ गई टू एम वन यू वन डिवाइड बाय एम वन प्लस एम टू, और इस तरफ वैल्यू आ गई एम टू माइनस एम वन डिवाइड बाय एम वन प्लस एम टू, और यू टू कॉमन आ गया था। इस इक्वेशन से हम पता कर सकते हैं फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड बॉडी जिसका मास एम टू था, तो इसी वजह से इसकी फाइनल वेलोसिटी का हमने नाम दिया हुआ है वी टू का। तो ये थे इलास्टिक कोलिजन और उसकी जो दोनों डेरिवेशन, आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। इस डेरिवेशन की प्रैक्टिस करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन की एग्जांपल्स को जहन में रखो तो प्रॉब्लम नहीं होगी। आज की इस लेक्चर में इतना ही है, अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।